हाँ तो बच्चों, अभी अपन ने जैसे पिछले लेक्चर में किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एरिया और अनुप्रस्थ वेग, इसके बारे में बताया था अपन ने। तो एरिया, अब इसके बाद में आज अपन डिस्कस करते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, एरिया और अनुप्रस्थ त्वरण, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको अपन डिस्कस करने से पहले अपन ये जैसे डायग्राम देखते हैं, जैसे मान लो एक कण है, अलोंग दी कर्व चलता है। मान लो टी समय पर, मान लो बिंदु पी पर है, टी समय पर बिंदु पी पर है और पी पर है, और उसके बाद में वो अलोंग दी कर्व चलता है एट द टाइम टी प्लस डेल्टा टी, वो मान लीजिए किस बिंदु पर है, क्यू पे है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट मान लीजिए, पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा है, और क्यू के क्या है, आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो अब ये जो ये फिक्स ये पॉइंट है, मान लीजिए ओ, ये पॉइंट क्या है आपका ओ, वो फिक्स पॉइंट है, ये ओ एक फिक्स पॉइंट है, ओ ये फिक्स पॉइंट है, इसको फिक्स पोल बोलते हैं जैसे, और ये ओ एक्स का एक इनिशियल लाइन है, फिक्स लाइन है जैसे मान लो। तो जैसे पी बिंदु पर इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, तो इसका मतलब ये आर ओ से पी की डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस क्या आ गई आर, और ये एंगल कितना आ गया थीटा, इनिशियल लाइन ओ एक्स से जो एंगल बना रहा है वो आ गया थीटा। जब पार्टिकल कहाँ पे है, क्यू बिंदु पे है, टी प्लस डेल्टा टी समय पर बिंदु क्यू पर है, तो उस टाइम जो इसका इसके जो पॉइंट वो है कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब ये जो इसका जो ओ क्यू है, ये रेडियल ओ क्यू जो है, ये अरे जो डायरेक्शन है ओ क्यू, ये कितना कोण बना रही है ओ एक्स के साथ में, थीटा प्लस डेल्टा थीटा कोण बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ क्यू है ओ पी के साथ में कितना कोण बनाएगी, डेल्टा थीटा बनाएगी। तो कण बिंदु पी से क्यू पर पहुंचा डेल्टा टी समय में, तो अच्छा और अपन मानते हैं कि माना कि पी बिंदु पर जो एरियल वेग है वो यू है, और अनुप्रस्थ वेग क्या है वी है, और क्यू बिंदु पर एरियल वेलोसिटी क्या है यू प्लस डेल्टा यू वी, ये है यू प्लस डेल्टा यू, और इसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है वी प्लस डेल्टा वी। तो ये जो एरियल वेलोसिटी है वो तो अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन है, और ये जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर, पर उस बिंदु पर जो रेडियस रेडियल डायरेक्शन उसके लंबवत दिशा में है ये डायरेक्शन एक तरह से। तो इस तरह से अपन ने देखा कि पी बिंदु पर जो एरियल वेलोसिटी है वो यू है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी वी है, इसी तरह क्यू बिंदु पर एरियल वेलोसिटी क्या है यू प्लस डेल्टा यू है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है वी प्लस डेल्टा वी है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि टी समय पर बिंदु पी पर है, और जिस पे एरिया और अनुप्रस्थ वेग क्रम से क्या है यू वी है। अब क्या है टी प्लस डेल्टा टी समय पर जब कण बिंदु क्यू पर है, तो एरिया और अनुप्रस्थ वेग क्रम से यू प्लस डेल्टा यू और वी प्लस डेल्टा वी हैं। अब क्या करते हैं, अब अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं। एरियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन जैसे होगा, रेडियल वेलोसिटी यू और ट्रांसवर्स वेलोसिटी वी थी, और यू पर क्या है रेडियल वेलोसिटी यू प्लस डेल्टा यू और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वी प्लस डेल्टा वी। तो अब अपन रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं जैसे, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी समय में ये बिंदु कहाँ से कहाँ तक गया, पी से क्यू पर गया। तो इसका मतलब एरियल डायरेक्शन जो ये जो आपकी जो रेडियल डायरेक्शन जो है ये जो इसका ओपी के अनुदिश कितना वेग में कितना परिवर्तन हुआ ये देखना पड़ेगा डेल्टा टी समय में ओपी के दिशा में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन में कितना समय लगा डेल्टा टी लगा, और फिर उस पर लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इस तरह से रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय कितना डेल्टा टी। अब डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन क्या आएगा, ओपी के अनुदिश वेग। तो अब देखिए आप टी प्लस डेल्टा टी पर वेग क्या है यू प्लस डेल्टा यू, और ये तो रेडियस रेडियल डायरेक्शन में है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या है वी प्लस डेल्टा वी। तो ओपी के अनुदिश क्या होगा इसका वेलोसिटी, ये हो जाएगा यू प्लस डेल्टा यू, ये यू प्लस डेल्टा यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा यू प्लस। और ये जो आपके पास में ये एंगल जैसे क्या है ये डेल्टा थीटा है,
और ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये वाला ये ओ क्यू के लंबवत है जैसे ये, तो ये कोण कितना है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 बना, तो इसका मतलब ये कोण कितना बचा, ये डेल्टा थीटा है, ये 90 तो कितना बनेगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये कोण कितना बन जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो इसलिए ओ पी की दिशा में क्या हुआ, इसके वेग के घटक क्या होंगे, यू प्लस डेल्टा यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा, और वी प्लस डेल्टा वी का क्या हो जाएगा इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, यू वी प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, ये आ गया। तो यू प्लस डेल्टा यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा और वी प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा आ गया। और तो और इसके शुरू में क्या था, टी समय पर वेग इसका ओ पी का अनुदिश यू, तो ये घटा दिया यू और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर दिया। अब देखते हैं अपन ये जैसे कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन डेल्टा थीटा होता है, तो इसका मान रख दिया अपन साइन डेल्टा थीटा। अब इसको अपन आगे हल करते हैं, तो इसको आगे हल करेंगे, अब क्या है लिमिट जैसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो उस स्थिति में डेल्टा थीटा इज आल्सो टेंस टू जीरो होगा, तो उस स्थिति में जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर डेल्टा कोस ऑफ डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है, तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा तो वन होता है, और साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन, जब लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होगा तो क्या होगा डेल्टा थीटा होता है, ठीक है। और साथ साथ में जब डेल्टा वी को मान लो डेल्टा, तो इसको सरल करने से ये आ गया अपने पास में कोस ऑफ डेल्टा थीटा टेंस, जब डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा इज वन और साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये अपन ने रख दिया इसमें, तो ये आ गया यू प्लस डेल्टा यू इंटू वन माइनस वी प्लस डेल्टा वी डेल्टा थीटा और इन ब्रेकेट बंद माइनस यू, ठीक है। अब अपन इसको सरल करते हैं जैसे, तो इसको सरल करने से क्या आएगा अपने पास डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा भी आएगा, तो डेल्टा वी और डेल्टा थीटा क्या है बहुत छोटी संख्याएं हैं, तो इनका मल्टीपल जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा, अल्प होगा, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी अपन उपेक्षा कर सकते हैं। तो इसको सरल करने से अपने पास में क्या आ जाएगा डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो अब इसको अपन आगे लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल टी माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और ये डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा को क्या है दोनों अल्प राशि हैं इनका मल्टीपल, तो इसलिए इसको अपन छोड़ सकते हैं नेग्लेजिबल राशि है इसलिए इसको अपन छोड़ सकते हैं। अब इसको जैसे डेल यू अपॉन डेल टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो इसको अपन डी यू अपॉन डी टी रख देंगे और डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो इसको अपन क्या लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिख देंगे। अब यू बराबर यू क्या था रेडियल वेलोसिटी है और वी क्या था ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, तो यू का मतलब क्या हुआ आर डॉट, तो इसको आर डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे अपन वी को क्या लिख देंगे आर थीटा डॉट, तो ये वैल्यू अपन ने रख दी इसमें। तो अब डी डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी को अपन क्या ले सकते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ले सकते हैं माइनस आर, अब ये थीटा अपॉन डी टी का मल्टीपल है दो बार तो इसको क्या ले सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास में रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब जो डी सेकंड डेरिवेटिव आर विद रेस्पेक्ट टू टी इसको अपन ने आर डबल डॉट लिख दिया और डी थीटा अपॉन डी टी को अपन ने क्या लिख दिया थीटा डॉट लिख दिया। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ गया रेडियल वैल्यू, ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये आपका ये तो हो गया अपना रेडियल एक्सेलरेशन। अब अपन करते हैं जैसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में क्या होता है ओपी के लंबवत दिशा में, ओपी के ये जो ओपी है इसके लंबवत दिशा में वेग में कितना परिवर्तन हुआ कितने समय में डेल्टा टी समय में, तो डेल्टा टी तो इसकी अपन डेफिनेशन से अपन इसको क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से अपन लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होगा वो डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, ये डेफिनेशन है। अब इसमें जैसे अब आप देखिए अब इसमें अपन ये देखते हैं कि भाई जैसे ये जैसे डेल अब इसका जैसे जैसे डेल्टा क्यू बिंदु पर क्या है वेग रेडियल वेलोसिटी यू प्लस डेल्टा यू और एरियल ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है वी प्लस डेल्टा वी है, तो अपन को इसके जो लंबवत दिशा तो जैसे इस ओपी के लंबवत दिशा में कितना परिवर्तन हुआ वो देखना है जैसे अपने को, तो यू प्लस डेल्टा यू का अलोंग दी ओपी तो क्या आया था कंपोनेंट कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा आया था, तो इसके लंबवत क्या आएगा साइन ऑफ यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा। एक तो ये हुआ नहीं जैसे कोस इसका यू प्लस डेल्टा यू का तो क्या होगा अलोंग ओपी तो क्या आया था यू प्लस डेल्टा यू कोस ऑफ डेल्टा थीटा, तो इसके लंबवत क्या आएगा यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा, तो साइन ऑफ तो एक तो क्या हुआ
यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा, और वी प्लस डेल्टा वी का क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, और कितना परिवर्तन हुआ, और फिर माइनस वी से इसको घटा देंगे, तो माइनस वी से इसको अपन ने घटा दिया, तो इस तरह से ये अपने पास में आएगा यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब जैसे अपन साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा को मान क्या हुआ, कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, तो इसको अपन सरल करते हैं जैसे मान लो, तो इसको सरल करने से फिर वही, जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो साइन डेल्टा, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो डेल्टा थीटा इज आल्सो टेंस टू जीरो, सो साइन ऑफ डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, और कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज वन हो जाएगा। तो इसको अपन सरल करते हैं तो ये अपने पास में आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यू प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी इन माइनस वन वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसको सरल करने से अपने पास में ये आ गया, जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। अब चूंकि ये जो आपके पास में ये आएगा मल्टीपल करने से, मल्टीप्लाई करने से डेल यू इंटू डेल थीटा आएगा जैसे, तो डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है तो डेल यू भी आल्सो, ये भी इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो दोनों वैल्यू कम है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बहुत कम राशि आएगी, तो इस तरह से इसको नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि इसकी जब लिमिट लगेगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पे लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डी टी, ये तो हो जाएगी डेल थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा, और इसको डेल वी अपॉन डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। अब अपने यू बराबर क्या लिखा था, डी आर अपॉन डी टी आर डॉट था, और वी बराबर क्या है, आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट मतलब आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो यू का मान तो अपन ने क्या रख दिया, डी आर अपॉन डी टी रख दिया, और वी का मान क्या रख दिया, आर थीटा डॉट मीन्स आर डी थीटा अपॉन डी टी रख दिया। अब इसको सरल करते हैं अपन, तो ये तो हो गया डी आर अपॉन डी टी इंटू डेल थीटा अपॉन डी टी। अब इसको जैसे विद रेस्पेक्ट आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी को विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो पहले विद आर का किया विद रेस्पेक्ट टू डी आर अपॉन डी टी प्लस आर इंटू इसका डी थीटा अपॉन डी टी का विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो आर इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू टी आ गया। इसको सरल किया तो ये दोनों जुड़ के क्या हुआ, ट्वाइस डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होगा, ये क्या होगा, आर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया। तो ये अपने पास में आया रिजल्ट, इस तरह से आया। तो इसको फिर अपन क्या, आर इस सेकेंडरी इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट, और डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, आर डॉट, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। अब ये जो अपने पास में आया आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, अब इसको अपन आगे ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो इस तरह से क्या है, अपन ने देखा कि भाई अनुप्रस्थ त्वरण का मान क्या आया, या तो ऐसे लिखते हैं आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का स्क्वायर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं वन अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये आपके पास में आया, जैसे ये अपने पास में ये आ गया आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का स्क्वायर। और तो इस तरह से अपन ने निकाला कि ट्रांस ये जो आया अपने पास में, ये जो रेडियल वेलोसिटी जो आई, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन तो आ गया अपने पास में, रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है अपने पास में, ये तो आ रहा है रेडियल एक्सेलरेशन, तो क्या है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये आ गया ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या आ गया, वन अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो इस तरह से अपन, तो अपन ने निकाला कि रेडियल वेलोसिटी क्या होगी आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी आर थीटा डॉट, इसी तरह से रेडियल एक्सेलरेशन क्या हुआ आर डबल डॉट प्लस आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो गया वन अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए। थैंक यू।